तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। घूमने जा रहा था, ऐसे ही निकला था मैं गांव में, तो मेरी नज़र पड़ी इस ट्रैक्टर पे, जो कि काफ़ी टाइम से थी। इस पे तिरछी नज़र चल रही थी मेरी कि इस पे वीडियो आज फाइनली बना रहा हूँ। बड़े दिनों से इच्छा थी कि इस पे वीडियो बनाऊँ। मतलब फेवरेट ट्रैक्टरों में से एक रहा है ये ट्रैक्टर। कुछ इस तरीके का है कि आपको खेती के बड़े काम नहीं मगर छोटे काम बड़े अच्छे से करके देगा। अच्छा एवरेज, मतलब एक ऑलराउंडर समझ लो छोटे कामों के लिए ट्रैक्टर। इसमें अपन आगे से बात करें तो छोटे टायर मिलते हैं, मतलब छोटे नहीं, 6-16 के इसमें फ्रंट टायर मिलते हैं। सिंगल पीस बोनट है, बम्पर थोड़ा सा टेढ़ा है, वो आप एडजस्ट कर लेना। दो हेलोजन मिलती हैं जिनमें से एक थोड़ी सी ख़राब हो रही है, वो भी आप एडजस्ट कर लेना। हाँ, बैटरी इसमें दी हुई है थोड़ी सी साइड में। ये टायर भी आपको 6-16 का ही मिलेगा। और हाँ, सबसे खासियत आगे की इसकी खासियत बताएं तो ये है इसका सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग। एक साइड से ये सिंगल एक्टिव है मगर कटता, मतलब इसकी जो कटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप सबसे ज़्यादा इसमें अगर आनंद लोगे ना तो ट्राली को या किसी आपको पीछे वाले इम्प्लीमेंट को कहीं लगाना है, कम जगह में मोड़ना है, तो इस ट्रैक्टर में सबसे आराम से कर पाओगे। ये इसकी सेल्फ स्टार्ट मोटर दी है, ये इसका वो क्या बोलते हैं जो इंजन स्टार्ट करने के लिए अल्टरनेटर, जो आप वो एडजस्ट कर लेना। फ्यूल टैंक इसमें फाइबर का दिया हुआ है। और ये बैटरी इसमें साइड में दी है। ऑयल एमएस डिस्क ब्रेक आते हैं जो कि काफ़ी नरम है, देख सकते हैं आप लोग। रेस भी दी है इसमें, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स आते हैं। गेयरबॉक्स 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स आते हैं। ये लाइट जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, इनको अगर आप जलाओगे तो 2 किलोमीटर आगे तक देख पाओगे। पिछले टायर की बात करें तो 13-26 के मिलते हैं, नहीं 13-26 के नहीं, लग सकते हैं 13-26 के मगर आते 12-28 के ही हैं। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें वही 1600-1700 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। ये हिच दी हुई है, काफ़ी चला हुआ ट्रैक्टर है, 2012-13 मॉडल है मगर परफॉर्मेंस अभी भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी बहुत लीकेजिंग है, हल्की फुल्की सी, ये देखो। बाकी जो मेन आइटम है उनमें कोई लीकेजिंग नहीं है। एक ये हेलोजन लगी हुई है जो 2 किलोमीटर का फॉक्स मारती है। ये ब्रेक लाइट इंडिकेटर दिए हुए हैं, उस साइड भी दिया है। और अगर बात करें इसके टप की तो ये हॉट कसा है इसमें। ये इसकी कीमत है 25,000। 25,000 में आपको ऐसा हुड कसवाना हो तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, ऐसा हुड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो 35 HP का इंजन आता है जो कि 2100 इंजन रेटेड RPM पे अपनी पूरी पावर दे देता है। और एवरेज 3 सिलेंडर का इंजन है इसमें, 3 सिलेंडर का इंजन आता है। ये रेस दी हुई है काफ़ी, मतलब अभी तो खिंची हुई है, थोड़ी सी दबी हुई है, थोड़ी बहुत लीकेजिंग कर रहा है क्योंकि काफ़ी चला हुआ है। ये सिंगल ऑयल फिल्टर है, डीजल फिल्टर शायद उस साइड दिए हुए हैं, रुको देखता हूँ अभी, नहीं उस साइड नहीं, हाँ ऑयल फिल्टर इस साइड है और वो डीजल, सिंगल डीजल फिल्टर दिया है इसमें। इनलाइन पंप है इसके साथ, इनलाइन पंप आता है। 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है और ये इसका आप वो देख सकते हैं। और अगर इस ओवरऑल ट्रैक्टर की बात करें लुक्स की, तो लुक थोड़ा सा छोटा दिखेगा मगर देखिए लुक काफ़ी अच्छी दे रहा है ट्रैक्टर। बाकी आप लोग बताना इसमें क्या खास है, कुछ लगा नहीं लगा। एक चीज़ ज़रूर है, आपको काम बड़ा अच्छा निकाल के देगा, काफ़ी कम टाइम में ट्रैक्टर कट जाता है छोटी सी जगह में, कटिंग काफ़ी अच्छी है। अभी इसकी चाबी नहीं है, नहीं तो इसकी वो बताता आपको, साउंड सुनाता। अब साउंड तो खैर नहीं सुना सकते क्योंकि इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। बाकी ये इसके पेंट की क्वालिटी है, देखना आप कैसा लगता है ट्रैक्टर। और इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी लगभग 75-80-90 भी पड़ सकती है। बाकी आ रहा है, बाकी ओवरऑल वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।